एक छोटी सी कहानी है, खैर छोटी तो नहीं है, सालों लग गए उसे अपने आखिरी पड़ाव तक पहुंचने में। उस कहानी में एक इंसान है जो करोड़ों लोगों का भगवान बना। सालों तक अपनी कम्युनिटी के लोगों के दिलों पर राज करने के बाद वो दुनिया भर की नजरों में ऐसा गिरा कि देश भर के लिए हैवान बन गया। इससे आप समझ तो गए ही होंगे कि ये कोई आम कहानी नहीं है। इस कहानी का प्रोटैगनिस्ट उन सभी फेमस सेलिब्रिटीज की तरह ही है जो अक्सर अपनी तरफ आने वाले इल्जाम, अब चाहे वो सही हो या गलत, उनसे खुद को बचा लेते हैं, यूजिंग देयर पावर और इन्फ्लुएंस और बोथ। इस कहानी में लड़ाई है एक आम विक्टिम और एक खास कल्प्रिट की। इस कहानी में लड़ाई है ब्लाइंड फेथ और मोरालिटी की। येट अनदर स्टोरी फिल्ड विद रियल लाइफ मिस्ट्री, crimes and conspiracies. It has power and fame to the highest limit. Aur ek aisi fall that has no limit. This is The Fall of Gurmeet Ram Rahim, The Unholy Baba. By our channel, Lomri. Apan Lomri to tez hai, ho ga dehi baaton mein kum sun. Apan kaanon ko khol, aur tabhi badi baatein ye sun, sun. राजस्थान के गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में गुरु सर मोदिया नाम के गांव में पैदा हुए गुरमीत को उसके माता पिता ने 7 साल की उम्र में ही डेरा सच्चा सौदा नाम के एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बना दिया। वैसे तो उसका जन्म एक सिख फैमिली में हुआ, पर क्योंकि उसके पिता मगर सिंह शुरू से ही इस ऑर्गेनाइजेशन के फॉलोअर रहे हैं, तो लाजमी है कि वो अपने बेटे को भी सिमिलर पाथ ऑफ नॉलेज पर लेकर जाएंगे। स्कूल की पढ़ाई सिर्फ 9th स्टैंडर्ड तक करने के बाद अपने यूथ में गुरमीत ने ट्रैक्टर चलाए और अपने पिता के खेतों में भी काम किया। कुछ सालों के लिए उसने डेरा सच्चा सौदा के लिए एज अ वॉलंटियर भी काम किया, जस्ट लाइक हिज फादर यूज टू डू। इफ यू आर वंडरिंग व्हाट इज दिस DSS, डेरा सच्चा सौदा एग्जैक्टली है क्या? सो बेसिकली डेरा सच्चा सौदा इज अ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन दैट वॉज फाउंडेड इन 1948 एज एन NGO बाय मस्ताना बालोचिस्तानी, जिनकी लीडरशिप में राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में DSS के कुल 25 आश्रम खुले। जब 1960 अप्रैल में उनकी मौत हुई, तब शाह सतनाम नाम के एक लीडर ने उनकी जगह ली, जिन्होंने 1990 में अपनी पोजीशन काफी अनएक्सपेक्टेडली गुरमीत को सौंप दी, जो कि सिर्फ एक 23 साल का वॉलंटियर था। What? जिसे ना तो बहुत नॉलेज या एजुकेशन थी और ना ही एक डेरा वर्कर होने का इनफ एक्सपीरियंस। शाह सतनाम ने ही अनाउंसमेंट के समय गुरमीत को हुजूर महाराज गुरमीत राम रहीम नाम दिया। उसके बाद बाय द टाइम ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ सेलिब्रेट, उसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी और साथ में एक बेटा और दो बेटियां भी थीं। अकॉर्डिंग टू देयर ऑफिशियल वेबसाइट एंड गुरमीत राम रहीम अकाउंट्स, उनके वर्ल्ड वाइड 60 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। दीज नंबर्स साउंड टू स्ट्रेच्ड, बट दैट्स नॉट व्हाट आई एम हियर टू जज। I'm here to tell you the story. So continuing with the weird life of Gurmeet, 23 साल की उम्र में डेरा हेड बनने के बाद उसने ऑल ओवर इंडिया में और आश्रम खोले, DSS का नाम बड़ा किया और साथ ही अपना फेम भी। नॉर्दर्न इंडिया में DSS और गुरमीत का इन्फ्लुएंस लगातार बढ़ता रहा और साथ ही साथ उसकी नेटवर्थ भी। If we talk about his personality, it was very visibly, very flashy. Especially जब हम उसे कंपेयर करें DSS के पुराने हेड्स के सामने, तो इट्स वेरी एविडेंट, क्योंकि जहां मस्ताना बालोचिस्तानी और शाह सतनाम अपने ट्रेडिशनल और लो की अटायर में ही हमेशा देखे गए, वहीं गुरमीत ने हेड बनने के बाद भी कलरफुल और स्पार्कली कपड़े और वियर्ड डिजाइन्स को हर जगह कैरी किया। डाइविंग डीपर इनटू हिज वियर्ड पर्सनालिटी, गुरमीत ऑल्सो हैड वन ऑफ द मोस्ट लव्ड एट करियर्स इन इंडियन फिल्म एंड म्यूजिक इंडस्ट्री। Yes, you heard it right, and I'm serious. He actually made movies and songs. Indian audience ke intellect pe ek serious satire ki tarah hi the uske films ke credits. Apni charo filmon mein practically har kaam ka credit usne khud ko diya. The movie was so propaganda driven ki dekhi to wo kisi cinephile nahi, but still managed a stable 6 out of 10 rating on IMDb. Itni propaganda driven, much like his whole life. That they even claim a false box office collection report to make it look like a massive hit.
वेल, प्रोपेगेंडा राइटिंग और मीडिया अटेंशन सीकर होना तो इस कहानी के सिर्फ क्वर्की साइड है. वी हैवंट येट एक्सप्लोर्ड द डार्कनेस विद इन. द रियल स्टोरी. द हार्ट ऑफ द स्टोरी लाइज इन रामचंद्र छत्रपति, द हीरो, द मार्टर. 24 अक्टूबर 2002 छत्रपति अपने घर से निकले जस्ट लाइक एनी अदर डे. बट अनलाइक एनी अदर डे, निर्मल सिंह और कुलदीप सिंह नाम के दो लोगों ने उन्हें पॉइंट ब्लैंक रेंज से शूट करके उनका मर्डर कर दिया. इस इंसिडेंट के बाद पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक सीबीआई इंक्वायरी इनिशिएट की. एंड अकॉर्डिंग टू द चार्जशीट फाइल्ड बाय सीबीआई, उस समय के डीएसएस के मैनेजर किशन लाल ने ही अपनी लाइसेंस्ड गन शूटर्स को दी थी अलॉन्ग विद अ वॉकी टॉकी. बट इट वॉज ऑल डन इन द प्रेजेंस ऑफ नन अदर देन गुरमीत राम रहीम. What had the simple journalist done to the flashy preacher? Let's take a flashback. An article that changed a lot of lives. An article that ultimately killed him. छत्रपति ने अपने रीजनल न्यूज़पेपर में डेरा सच्चा सौदा के अंदर होने वाले कड़वे सच को एक्सपोज करते हुए एक आर्टिकल छापा था. उस न्यूज़पेपर का नाम था पूरा सच. Look at the first two headlines. कार चालक के हठ ने खोल दिया धार्मिक डेरे का कच्चा चिट्ठा. धर्म के नाम पर किए जा रहे हैं साध्वियों के जीवन बर्बाद. एक लेटर जो कि एक एनोनिमस राइटर ने उस समय के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम लिखा था. वही आर्टिकल छत्रपति ने अपने अखबार में 30 मई 2002 को छापा. उस लेटर में गुरमीत द्वारा किए जा रहे अपनी फीमेल फॉलोअर्स की सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बताया गया था. इसके बाद कुछ रिलेटेड स्टोरीज रेगुलर इंटरवल्स में छपने के बाद सितंबर 25 को छत्रपति ने एक स्टोरी ये बताते हुए भी छापी थी कि हाई कोर्ट ने डेरा के खिलाफ सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर किया है. फिर 29 सितंबर को यह छापा कि डेरा के लोग पूरा सच न्यूज़पेपर को बैन कराना चाहते हैं. फिर 24 अक्टूबर को छत्रपति के मर्डर के बाद उनके बेटे अंशुल ने पेपर को टेक ओवर कर लिया और अपने न्यूज़पेपर को अपने पिता के सपने की तरफ चलाया अंटिल 2014 एंड फॉट हिज फादर्स फाइट टिल द वेरी एंड. दिस इज द वन मर्डर जिसके लिए बाद में गुरमीत को कन्विक्ट किया गया था, रेप कन्विक्शन. जो लेटर 2002 में छत्रपति ने अपने अखबार में छापा था उसके बेसिस पे पहले रीजनल जज एमएस सुलार ने एक इंक्वायरी बिठाई और अपनी रिपोर्ट के साथ एक रेकमेंडेशन भी सबमिट की, आस्किंग फॉर अ सेंट्रल एजेंसी टू इन्वेस्टिगेट. सिरसा जज की इस रिपोर्ट के बाद पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सीबीआई से इस मामले में जांच करने की मांग की. इसके बाद सीबीआई की चंडीगढ़ ब्रांच में एक केस रजिस्टर हुआ आईपीसी के सेक्शन 376 के अंडर रेप का, सेक्शन 506 के अंडर क्रिमिनल इंटिमिडेशन का और सेक्शन 509 के अंडर एक वुमेन की मॉडेस्टी को इंसल्ट करने का. सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान डीएसएस की 18 साध्वियों को कॉन्टैक्ट किया जिन्होंने 2002 से पहले डेरा छोड़ दिया था. जिस लेडी ने वो लेटर लिखा था शी एक्सप्लेन टू सीबीआई कि 28 अगस्त 1999 की रात को शी वॉज टेकन टू राम रहीम्स गुफा. यस, वो जहां ये क्राइम्स करता था उस जगह को गुफा कहता था. She was taken there to be granted maafi. Yes, and he used to call his act of rape maafi. And when she resisted, the pehle culprit ne use jaan se maarne ki dhamkiyan di. And then he raped her. After that incident, wo kehti hain ki unhe dera ki asli sachai ke baare mein pata laga. She says different girls every night used to visit Baba's gufa. She was taken there again. Aur unse kaha gaya tha, if she doesn't go, she won't get food. और जब तीसरी बार उन्हें दोबारा वहां बुलाया गया शी सेज शी सक्सेसफुली रिजिस्टेड. वो कहती हैं कि वहां पर डर का और अंधभक्ति का ऐसा माहौल था कि अगर आपने डेरा या बाबा के बारे में एक शब्द भी गलत कहा होता तो आपके हाथ पैर तोड़ दिए जाते. इवन हर ओन ब्रदर वॉज अ फॉलोअर एंड ही हैड डीप फेथ इन डेरा. ही यूज्ड टू कॉल द बाबा पिताजी. लेकिन व्हेन शी टोल्ड हिम अबाउट इट, उसने अप्रैल 2001 में अपनी बहन को और अपनी दो बेटियों को वहां से निकाल लिया. शी फील्स लकी कि उनके भाई ने उन पे विश्वास किया क्योंकि शी हैड सीन कि बहुत सारी लड़कियों की ऐसी कंप्लेंट्स भी थीं
कि उनकी फैमिलीज ने सीरियसली नहीं लिया और उन्हें वहीं आश्रम में एक्सप्लॉइट होने के लिए छोड़ दिया। बाबा सिकनेस एंड डार्कनेस हैड नो लिमिट एज ही वाज कीपिंग द विक्टिम्स एज स्लेव्स एंड आवर लेडी हु टेस्टिफाइड हैड समहाउ मैनेज्ड टू एस्केप दैट हारीम ऑफ हिज ट्विस्टेड फैंटेसीज। देयर वाज वन मोर गर्ल हु टेस्टिफाइड। वो डेरा में ही पली बड़ी। उस वक्त शी वाज गार्डिंग आउटसाइड द गुफा। तब रहीम कॉल्ड हर इनसाइड। शी वाज शॉक्ड टू सी कि बाबा वहां लेटा हुआ है अपेरेंटली बिना कपड़ों के। उन्होंने वहां से भागने की कोशिश की पर वो नहीं भाग पाए और ना ही कोई मदद के लिए आया। देन शी वॉज रेप्ड बाय राम रहीम। उसके बाद शी एस्केप्ड द आश्रम प्रेमिसेस। दे से ना जाने कितनी लड़कियां हैं जिन्होंने अपना मुंह बंद रखा है, किसी ने अपनी जान के डर से, किसी ने अपनी फैमिली के डर से। कन्विक्शंस। Remember when I said कई साल लग गए इस कहानी को अपने आखिरी पड़ाव तक पहुंचने में? This is what I meant. Because हरियाणा पंचकुला में स्पेशल सीबीआई कोर्ट का फैसला 2017 में आया, जब सीबीआई ने फाइनली चार्जशीट फाइल की। 15 साल की एग्नाइजिंग वेट के बाद फाइनली सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम को 25 अगस्त 2017 को गिल्टी चार्ज किया ऑन टू काउंट्स ऑफ रेप, जिनके लिए 28 अगस्त 2017 को उसे टोटल 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई। कोर्ट के प्रेमिस के बाहर लगभग 2,00,000 लोगों का जमावड़ा इकट्ठा हुआ था इस वर्डिक्ट को सुनने के लिए। और जब यह फैसला सुनाया गया तब डेरा और राम रहीम के फॉलोअर्स ने अपना आपा खो दिया और वायलेंस पे उतर आए। और इन हेविली वायलेंट प्रोटेस्ट के चलते लगभग 30-40 लोगों की मौत भी हो गई इन क्लैशेज अगेंस्ट पुलिस, और 100 से ज्यादा लोग सीरियसली इंजर्ड भी हुए। But when the dust settled, we found our culprit finally behind the bars. और उसके 1.5 साल बाद, in January 2019, he was found guilty of 16-year-old murder of late Ramchandar Chhatrapati, जिसके लिए he is serving lifetime imprisonment as we speak. It wasn't the only murder Ram Rahim was convicted of. The lady who testified as the victim of rape, her brother Ranjit Singh, was also killed in 2001. पहले डेरे के लोगों ने उसे लाइफ थ्रेट्स दिए और कहा कि वो राम रहीम के पैरों में गिर के माफी मांगे, बट ही डिडंट, सो दे किल्ड हिम। आवर विक्टिम एंड हर फैमिली फॉट फॉर बोथ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जस्टिस फॉर 19 इयर्स। उनके भाई रंजीत सिंह के मर्डर के लिए राम रहीम समेत 5 कल्प्रिट्स को लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई। सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने इन लोगों को रंजीत सिंह मर्डर केस में 8 अक्टूबर 2021 में कन्विक्ट किया। इन टोटल ही हैज बीन कन्विक्टेड फॉर 2 काउंट्स ऑफ रेप एंड 2 काउंट्स ऑफ मर्डर। नॉट टू बैड फॉर अ प्रीचर बाबा। अदर केसेस। ही वाज आल्सो कन्विक्टेड ऑफ एनफोर्सिंग कैस्ट्रेशन ऑफ मोर देन 400 ऑफ हिज फॉलोअर्स। ही हैज अ केस ऑफ हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ सिख पीपल बिकॉज ही शोड अप इन अ पब्लिक गैदरिंग dressed up as their 10th guru, Guru Gobind Singh Ji. अब तक राम रहीम 2 बार अपनी बीमार माँ से मिलने के लिए परोल पार एक एक दिन के लिए बाहर आया है, और उसके अलावा उसे रिसेंटली फरवरी 2022 को 21 दिन का फर्लो ग्रांट हुआ था, that has expired. Hard truth. The guy जिसे एक इतनी बड़ी कम्युनिटी का हेड, religious leader और आइडल बनाया गया था, he let down his decent followers. Let down his family, his own lovers around the globe. As quirky as he was, बहुत सारे लोग उसमें भगवान को देखते थे। ना जाने कितने लोगों के बिलीव का एंड हुआ और कितने लोगों की फैमिलीज बर्बाद हो गईं। Whenever anyone tries to play God, it never ends well. जो क्राइम्स उसने ह्यूमैनिटी के खिलाफ किए हैं उनके लिए he can never be punished enough. Few victims can find solace in the fact कि वो कम से कम जेल में तो है। बाबा वर्शिप और अंध भक्ति दोनों ही हमारे देश के लोगों में इतनी डीपली ड्रिल्ड हैं कि देयर इज नो लिमिट टू द डेंजर इट पोजेस टू अस। अगर कोई गलत इंसान उस पेडेस्टल पे पहुंच जाए, गुरमीत राम रहीम इज वन सच एग्जांपल। वी शुड एजुकेट आवरसेल्व्स एंड आवर किड्स अगेंस्ट ऑल काइंड्स ऑफ ईविल दैट कैन एग्जिस्ट। वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर चिल्ड्रन। You need to protect your community from these unholy babas.
काली बातें यहाँ छुपी खोया सच है, फंदो जालों में अंधे ही सालों से गुम, लुटी पड़ी इंसाफ की बाजारे है, सुन पूंजी है डर की खदाने, तू सुन क्या बोल तुझे कान में तोल के, जहर को शरबत बोल के काटे नींद में वो पाल, फिर सुबह तैयार होके शहर घूम टोपी बेचते, तो ना कोई सगा यहाँ पे जो दगा भी ना दे और ला दे ना दीजे ना दबा के बातें, वो लगा के आग हुए गुम, 5 साल बाद बेची बाल्टी में पानी की बूंद, सुन अपन लोमड़ी तो तेज है होगा नहीं बातों में गुम, सुन अपन कानों को खोल और तभी बड़ी बातें ये सुन सुन।